ये हाथ है लातों से करती बात है मैडम की तेज धार से बचता ना कोई वार से पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे रहपटों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। ये चैलेंज आप ले लीजिए भैया, ये चैलेंज लेना पड़ेगा भैया आपको, ये चैलेंज ले लीजिए आप, ये चैलेंज लीजिए आप। इस चैलेंज में क्या होता है भैया कि ये जो बाल्टी है इसमें बर्फ का पानी भरा होता है, उस पानी को अपने ऊपर ऐसे उड़ेल देना पड़ता है और ये काम बहुत हिम्मत वाले लोग ही कर पा रहे हैं भैया, और मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप में वो हिम्मत है। ये आप जितेंद्र और देवगन दोनों से ज्यादा हिम्मत वाले हैं भैया। थैंक्स ब्रो, आई एम सो रबिश। करेक्ट भैया। अब जल्दी से ये बर्फ के पानी से भरी हुई बाल्टी को उठाइए और अपने ऊपर ऐसे उड़ेल लीजिए। ओके ब्रो, मैं आंखें बंद करके उड़ेल लेता हूँ, फिर ठंड कम लगेगी। हाँ, और मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर हम वीडियो सबको दिखाएंगे। कैरी ऑन। सॉरी भैया, वो लगता है कि वो बर्फ के पानी की बाल्टी मैंने बाहर छोड़ दी और मैं कचरे की बाल्टी ले आया। अब तुम भागना नहीं। आए क्या रे, सीधी वायरिंग के उल्टे स्विच ना, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? वेल मॉम, देखो ना जी, इसने मेरे साथ क्या किया जी, इसने मुझे बकेट बर्फ चैलेंज दिया जी, जब मैंने पानी ऊपर डाला जी तो पानी की जगह जी ये कचरा निकला जी। क्यों लिया तने चैलेंज, क्यों करा एक्सेप्ट? कौन है तू? बुरानपुर का शहंशाह है कि बरवा सुमेरपुर का जमींदार हो रहा तू? कि अगर तो तने चैलेंज छोड़ दिया तो थारी ये पकौड़े सी नाक कट जाएगी सबके सामने। ज्यादा चैलेंजिया हो रहा है तो मैं दू चैलेंज, बॉयल ऑयल बकेट चैलेंज देती हूँ मैं तेने, फिर निकलेगा बिल्कुल ब्रेड पकौड़े की तरह से तला हुआ, जिसे काट के खाएंगे मिलके हम सब। सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी। अरे साइड हो जाइए, छत गिरने वाली है। सॉरी मैडम, असल में मैं हूँ पुलिस विभाग का डाकिया, नेचर से हूँ थोड़ा मजाकिया। मैं ईमेल का प्रिंट आउट लेकर आया था, जो पुलिस विभाग को मिला है सारा डिपार्टमेंट हिला है। दिखा। सॉरी मैडम, ये लीजिए। कुछ जानकारी है, किस बारे में आई हो? इस इलाके के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, मैं उन सब के चीफ इंस्पेक्टरों का मुंह स्याही से काला करके रहूंगा। कौन है भैया? जड़िया तालाब के इंस्पेक्टर के बाद ये बारी है ईमान चौकी के चीफ इंस्पेक्टर की। अबे कौन है वो? जी वो जो भी है मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा, 24 तारीख को उसका मुंह काला हो के रहेगा स्याही सक्सेना। कौन है स्याही सक्सेना? नहीं, इलाके के इंस्पेक्टरों का मुंह काला करने का क्यों शौकीन हो रहा है वो? वो जो कोई भी है मिस चौटाला, बहुत ही जल्द कानून की गिरफ्त में होगा, क्योंकि
उसने अपना अगला शिकार हमें चुना है, लेकिन उसने ये नहीं सुना है कि हम है बजरंग ब्रदर जो मचा देते हैं गदर। सर, एक्सपर्ट एडवाइस की अगर हम माने सर, तो मैं तो ये कहूंगी कि इस ईमेल को ज्यादा ना हल्के में ना लिया जाए। अगर कहीं स्याही उछलगी तो यो जो थोड़ी बहुत अपील है वो घट जाएगी। थोड़ी बहुत अपील क्या मतलब है आपका? थोड़ी बहुत नहीं नहीं, मारे से पूछे तो एक ही की चल रही अपील, और तो किसी की है ही नहीं। लेकिन फिर अपने मुंह से अपना ही ट्रम्पेट ब्लो करेंगे तो फिर सर लोग उंगली उठावे ना, इसलिए तो मैं कहूंगी जरा केयरफुल रहिए, क्योंकि एक तो अपील वाली बात होगी और दूसरी सर ना सिर्फ आपकी बल्कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और हम सबका मुंह फिर हो जाएगा सर ब्लैक। आपने ये बोलकर मिस चौटाला हमको बिल्कुल चार्ज कर दिया है। आपको बता दें कि हमने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है, हमारे जो दो हाथ है हाय वो हाथ नहीं है, फौलाद है, फौलाद मसल के रख देंगे उसको। लेकिन सर 24 तारीख आने वाली है, जरा केयरफुल रहिए सर। और तू अप्रोचिए, जरा पता लगा साइबर ब्रांच से ये ईमेल आया कहां से है। ओके आए स्याही सक्सेना। हेलो चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे ईमान चौकी। अबे हमारे होते हुए क्या हो सकता है बे? हैं बेफिकर। हैंड्स अप, गोली मार दो। Para 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 pa pa para pa pa para 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 pa pa para pa pa para pa pa pa. Bye. Tak 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 to pa pa. Doctor saab, ye ek baat sunna hai mare। चोट तो बाएं हाथ पे लगी है जिसपे चढ़ा दिया तुमने प्लास्टर। ये दाहिने हाथ पे क्यों पट्टी बांध रहे हो? वो तो हाथ सही है। क्या है मैडम, मैं हूँ समानता शर्मा फ्रॉम उन्नाव। नहीं करता हूँ कोई भी भेदभाव। अब क्या है कि इनकी जो है एक हाथ की हड्डी है टूटी, तो नसें जो है वो सूजन से है रूठी। तो भैया कुल मिला के भेदभाव क्या करना है? दोनों हाथ में पट्टी बांधी, क्योंकि इनके एक हाथ का टूटने का असर दूसरे हाथ को भी हो सकता है कुल मिला के। नहीं, आर यू टेलिंग मी कि तुम्हारे अगर डॉक्टर साहब मैं एक पांव तोड़ दूं, अगर नहीं अगर तो तुम दूसरे वाले पे भी प्लास्टर बांध लोगे? बिल्कुल, क्योंकि हमारे पिताजी की एक आंख का ऑपरेशन होना था तो हमने उनकी दोनों आंखों को ऑपरेशन कर दिया। और तो और हमारी मम्मी जी का एक कान खराब था है, तो हमने उनके दोनों कान खराब कर दिए। अबे ओ डॉक्टर, तू समानता शर्मा हो या समानता फॉक्स हो तू? पट्टी उतार वरना गोली चलाते हुए भेदभाव ना करूंगी मैं। अरे अरे मैडम, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं वो पट्टी उतार दी मैंने। अजीब बेवकूफ आदमी आ रही हो, डॉक्टर का कौन है ऐसे? डॉक्टर को तुमने बुलवाया था? हाँ मिस चौटाला, हम इस गोभी के बच्चे को छोड़े ही नहीं। मॉम सारी गलती बिल्लू की है, इसने मुझे बोला हैंड्स अप। तो तने कर लिया।
ये बोलेगा कूदो इन वेल तो तू कूद लेगा वेल बोलता हुआ है? खुद में अकल ना है क्या? अखरोट भरे पड़े हैं दिमाग में? मैं ना गोपी, मैं तप गई हूँ इफ्तारे से। मारा कभी कभी मन कर रहा है कि सारी उम्र का लिहाज भूल के ना इस आदमी को जाना मैं। चालीस दिन लगते हैं जी बस ठीक होने में। नमस्ते मैडम, मैं चकली अता माजी सटकली। तुम चकली? तुम्हारे से के अपनी चकली बिलवाने के लिए बेसन लेने आई हो या मैं मैदा सप्लाई करूं? नहीं, मैंने क्या खोल रखा तू यहाँ पर चूनी की दुकान की मैं मुंडू हो रही हूँ या पुलिस स्टेशन खोल रही? मैं कौन हूँ? मैं अनुपम खेर हो रही गमछा लगाए हुए राम लखन का। Well, baby. बेटी बेटी, क्या तुम्हें है किसी ने छेड़ा इसदा? तुम हो खूबसूरती का पेड़ा इसदा। पेड़ा नहीं थपेड़ा पड़ेगा जन्न करके फटाक देने की मुंह पे सारे। शर्म ना आती? इतना बेशरम हो रहा तू और हमारे सामने वो भी। Sorry. यार तू बहुत बदतमीज होता जा रहा गोपी। मोरा मन कर रहा है गोपी कि मैं जो है ना थारे संग में ऐसा करूं कि तू शाबाश। सही हुआ। आप अपना बताएंगी या आप यहाँ सिर्फ हमारी केमिस्ट्री का मजा लेने आई हुई हैं? मैडम मुझे उसके खिलाफ FIR लिखवानी है। मैं चकली अता माजी सटकली। उसके किसके? मैडम वो जो मेरे हुस्न के हारमोनियम पे अपनी मोहब्बत का माउथ ऑर्गन बजाना चाहता है। मैडम वो जो मेरी इश्क की चारपाई पे अपनी आशिकी की चादर बिछाना चाहता है। मैडम वो जो मेरी मांग के फ्लाईओवर में सिंदूर की बाइक चलाना चाहता है। मैं चकली अता माजी सटकली। अच्छा कोई लौंडा छेड़ रहा तुम्हें, आशिक हो रहा तुम्हारा? नहीं मैडम, कोई लड़का नहीं है बल्कि मैडम वो जंगल का सिकंदर है। मैडम वो उछल कूद का समंदर है। एक्चुअली मैडम वो एक बंदर है। ओह माय गॉड, बंदर मतलब मंकी? हाँ दद्दू, वो एक मंकी खाली कर देगा मेरी खुशियों की टंकी। मैडम वो बंदर बड़ा आशिक मिजाज है। भैया आप किधर है? मैडम जिस लड़की को देख के उसके दिल का गुब्बारा फूलता है उसके आगे वो सब कुछ भूलता है मैडम। फिर मैडम वो उस लड़की को उठा के जंगल में ले जाता है और वहां जाके उसका डांस देखता है। मैडम उसे डांस देखना बहुत अच्छा लगता है। भैया आप किधर है? Well. मैडम अगर वो बंदर मुझे उठा के ले गया तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ देगा, प्यार का गुब्बारा फोड़ देगा, इसकी ककड़ी तोड़ देगा। Well. मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे कह रहा है कि चकली बंदर के सामने खबरदार जो चकली। हाँ मैडम, मैं चकली अता माजी सटकली। ठीक है बांदरी, बिलोटे के संग जाके अपना एड्रेस लिखवाओ, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी बंदे को बोलते हैं कि भेजे कोई पकड़ने के लिए बंदर। ओके आई। सर महा थर्ड क्लास आदमी है ये। नहीं नहीं का क्या मतलब है? तो नीचे सांप है। सॉरी मैडम। निकाय का सॉरी? यहाँ कमेडियन है हम लोग, जो तू आके यहाँ जोक मारा कर रहा है। हाँ मजाक करने के लिए पहन रखी हमने वर्दी। सॉरी मैडम, आपको तो पता ही है मैं हूँ पुलिस डाकिया, थोड़ा सा मजाकिया। मैडम जी एक और मेल आया है जिसका मैं प्रिंट आउट लेके आया हूँ।
ये देखिए। सर, यो मेल आपसे मुखातिब है। ईमान चौकी का चीफ इंस्पेक्टर तैयार रहे, कल 24 तारीख है और कल उसका मुंह मैं काला करके रहूंगा। मुझे एक ही सूरत में वो बच सकता है, अगर कल वो अपनी नौकरी छोड़कर भाग जाए तो। स्याही सक्सेना, हम इसकी ऐसी की तैसी कर देंगे, मैं छोड़ाला छोड़ेंगे नहीं इसे। सर, एक्सपर्ट एडवाइस तो सर यो कहेगी कि वैसे एक हाथ से आप ठाकुर हो रहे हैं। आउच, हैं? ऐसे में सर इस तरह से जो है जोश और जुनून से काम लेके टाकी पे चढ़ के मौसी को गुहार लगाना, वो कहाँ की समझदारी सर। अरे लेकिन मिस चौटाला। सर मैं क्या कह रही हूँ, अगले 24 घंटे के लिए मैं आपके साथ रहती हूँ, मैं आपको पुलिस प्रोटेक्शन देती हूँ सर। नहीं मिस चौटाला, आपको क्या लगता है हम उस साई सक्सेना का अकेला मुकाबला नहीं कर सकते? हमारा एक हाथ टूटा है, दूसरा हाथ अभी भी मौजूद है। हेलो। नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं हुआ है, हल्की सी मोच आई है बस। अरे जल्दी ठीक हो जाएंगे, किसी ने आपको गलत खबर दी है। हाँ बिल्कुल। लो भाई, आ गया थाना, आ गया। मम्मी फोन करते जरा, करते। बेटा मैं कुछ नहीं जानता, आज मैं तुम्हें गुदगुदी करके रहूंगा। अबे क्या है? कौन है ये? मास्क पहन के कहां घूम रहा है तू? क्या है? अबे तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटा रहे हो? मैडम, अगर आप इनके दूसरे हाथ में प्लास्टर पहले ही बंधवा लेती तो मुझे दोबारा यहां नहीं आना पड़ता है। वैसे मैडम मैं ये सोच रहा हूँ कि एडवांस में इनके एक पैर में प्लास्टर बांध दूं। सर समझ गया, समझ गया, मैं चलता हूँ। सब ठीक। आखिर गोपी और बिल्लू ने हमें बिना हाथ वाला ठाकुर बना ही दिया। जिस दिन हमारे हाथ ठीक हो गए ना बे, तो एक हाथ से गोपी को और दूसरे हाथ से बिल्लू को मसल के रख देंगे। कह रहे तुम दोनों से भाईला, भाईला, भाईला।